हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टिटनेस के बारे में। टिटनेस क्या है, इसके कारण क्या होते हैं और यह क्यों होता है और कब हमें इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमें नई यूज़र है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि हमने बात करने वाले हैं टिटनेस के लक्षण एवं इसका इंजेक्शन हम कब लगवाएं। यानी कि बहुत सब कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि टिटनेस का इंजेक्शन आपको कब लगवाना है। और एक बहुत बड़ा कॉमन ये भी कन्फ्यूजन होता है कि इंजेक्शन कब तक काम करेगा या नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कई तरह के मिथ हैं इसके अंदर, कई तरह के इसमें आपको अफवाहें सुनने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल ही प्योर, बहुत ही अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लें टिटनेस है क्या। देखिए, टिटनेस एक्चुअली क्लास्टिडियम टिटनाई एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से आपको टिटनेस होता है। ये ऑलरेडी जो कंटामिनेटेड धूल मिट्टी या कहीं पर गोबर या कहीं पर ऐसे मतलब जैसे लोहा है या जंग लगा हुआ लोहा है, तो इस तरह की जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ये कॉमनली मिलता है। अगर आपको उस प्लेसेस पे या जंग लगे कील से आपको अगर कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो वहाँ से आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है इंजरी के थ्रू, यानी कि कट बूंद के थ्रू। तो जब ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसके बाद की प्रोसेस होती है कि आप लक्षण क्या होते हैं। देखिए, इसके लक्षण मेनली क्या होते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उसका मुंह खुलना बंद होता है, यानी कि उसका लॉक जो हो जाता है, इसको ट्रिसमस भी कहते हैं। और जब सीवियरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है पेशेंट को, तो इसको है ना जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बिल्कुल ही टेढ़ी हो जाती है, यानी कि ऑपिस्थोटोनस उसे कहते हैं, हिंदी में इसे स्तंभकार भी कहा जाता है। तो ये कॉमनली टिटनेस के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं करें क्या। देखिए, जब आपको टिटनेस हो जाता है या अगर नहीं होता है, मान लीजिए आपको टिटनेस नहीं हुआ, कॉमन इंजरी आपको लग गई है कहीं पर, तो आपको करना क्या वहाँ पे। देखिए, टिटनेस अगर लगवा लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और हाँ, कई लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन भी होगा कि टिटनेस अगर लगा है फिर भी हमने ऊपर से टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लिया तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर इंजेक्शन आपको लगा है तो आपको 6 महीने तक, या टिटनेस के इंजेक्शन के ऊपर होता है कि कितने दिनों का है उसका प्रोडक्शन, तो उसके बाद में आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना रहता है अगर आपको इंजेक्शन लगा है तो। फ्रेंड्स, ये इंजेक्शन आपका 6 महीने तक नॉर्मली काम करता है और आपको 6 महीने तक इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर टॉपिक आपके लिए गाइस। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।